Hi everyone, I Priya welcome you all at my channel. I hope that you all are hale and hearty. As I have earlier promised you about that I'm going to start with a new series of grammar. So before starting this series, I would like to let you know that I have completed subject verb agreement and today I'm going to start with noun. पार्ट ऑफ स्पीच का वेरी फर्स्ट टॉपिक नाउन से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि यहीं से जो हमारा बेस है ग्रामर के लिए तैयार होता है. तो इन टूडेज वीडियो आई हैव डिस्कस कम्प्लीटली अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप. कलेक्टिव नाउन में हम किस तरीके से वर्ब्स का यूज करते हैं, सिंगुलर रहता है, प्लूरल रहता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में जाके किस तरीके से यूज होता है, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डेप्थ डिटेल. सो आई होप यू आर गोइंग टू वॉच द कम्प्लीट वीडियो. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक to add here, if you are new at my channel, please subscribe it, and if you like the video, don't forget to hit the like button. And so without delaying, let's get start the video. तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे नाउन से. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है. छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था नाउन क्या होता है. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, तो नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. पढ़ी है तुम लोगों ने सपने. ठीक है, तो ये टॉपिक एक्चुअली क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे बेस है. अब पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने पहला पॉइंट लिया है, पहला टॉपिक लिया है नाउन. धीरे धीरे करके हम सभी जो टॉपिक है उनको कवर करते जाएंगे. तो आज के हम टॉपिक को बहुत जल्दी से बहुत आसानी से समझेंगे, तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा. नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, जिनको हम बोलते थे हिंदी के अंदर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एक्सेट्रा इज नाउन. उसको हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं. ठीक है, तो अब आप समझिए, जैसे मैंने बोला राधा, काउ, डॉक्टर, दिल्ली, सिटी, हर्ड, लव, क्लास, ग्रुप, मोहन, ये सारी क्या हैं इसकी एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो हम बहुत ही ध्यान से अब इसको देखते हैं. नाउन की हमने, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, नाउन क्या होता है, किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलते थे. किसी भी पर्सन का नेम हो, चाहे वो किसी भी प्लेस का हो, किसी भी थिंग का हो, या कोई भी क्वालिटी हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं. ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं नाउन को. नाउन किस तरीके से, जैसे देखिए नाउन के आगे हम टाइप्स को डिवाइड करते हैं. मान लीजिए नाउन को, ये मेरे पास मैंने लिखा नाउन, इसको मैंने आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, दैट इज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. ये आप अगर इन चीजों का बेस क्लियर कर लेते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, किसी भी क्लास में, कोई भी ग्रामर के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपका बेस क्लियर रहता है. ठीक है, तो नाउन को हम डिवाइड करते हैं नंबर वन काउंटेबल नाउन में, दूसरा अनकाउंटेबल. काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट काउंटेबल है ना. और अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते. ठीक है जी, तो अब जो है मैंने काउंटेबल को आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड करा. अब ये काउंटेबल नाउन आगे किस में डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, फिर मेरे पास आ गया कॉमन नाउन,
और फिर मेरे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और इधर मेरे पास जो है अनकाउंटेबल नाउन को मैंने फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, दैट इज मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो पेपर के अंदर हम लोगों को कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए पांच टाइप्स होती है। पहले तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वैसे जो टोटल टाइप है नाउन की वो वन प्रॉपर नाउन, सेकंड टू कॉमन नाउन, फिर थ्री कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इनको हम बहुत अच्छे से इन सब कैटेगरीज को हम समझेंगे ध्यान से, तो पूरी वीडियो को बहुत आप ध्यान से देखते जाइए, आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है, सभी डाउट्स जो है वो सब क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसी की आगे कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर मतलब क्या हुआ, खास। हम करते थे ना पंजाबी में खास नाव, नाव भी संज्ञा ही होती है, नाव को ही हम नाउन बोल देते हैं। तो मतलब जो हम कुछ स्पेशल प्रॉपर है किसी चीज का नाम। अब देखिए, ऐसे नाउन जो डिनोट करते हैं किसी प्रॉपर पर्सन का नाम या प्लेस का या थिंग का, मींस वो एक ही है, ऐसी कोई चीज जो मतलब एक ही है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए प्रॉपर पर्सन कैसे हो गया, बिने किसी बॉय का नाम है, मोहन है, नैतिक है, हम किसी उस पर्टिकुलर इन बंदों की बात कर रहे हैं, इन पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो सो ये क्या हो गए हमारे पास प्रॉपर पर्सन हो गए। अब प्रॉपर प्लेसेस की बात करें, मुंबई है किसी एक स्पेशल एक जगह का नाम है, फाजिल्का है, दिल्ली है, सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल मींस वो जो सिविल पर्पजेस के लिए मतलब लोगों के लिए बना है, उस हॉस्पिटल की स्पेसिफिकली बात करी है। ठीक है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल तुम कह लो। चंडीगढ़ है, आर्मी स्कूल है। अब मैंने किसी स्पेसिफिक स्कूल का नाम यहां पे लिया कि ये आर्मी वाला स्कूल है, ठीक है, ये सिविल हॉस्पिटल है या ये शहर एक पर्टिकुलर है। तो जहां पे मैंने किसी पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर एक ही है उसी को, एक उसको डिनोट कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर है, प्रॉपर पर्सन या प्रॉपर प्लेस। अब प्रॉपर थिंग कैसे होगी कि एक बुक है, चाहे रामायण है। अब मोबाइल, मैंने सिंपल मोबाइल नहीं लिखा, यहां पे मैंने लिखा है सैमसंग, मींस मैं एक पर्टिकुलर सैमसंग मोबाइल की बात कर रही हूं। अब पेन है, मैंने सिर्फ पेन नहीं लिखा, यहां पे मैंने आगे लिखा सेलो पेन, सेलो पेन की मैंने बात करी है, आगे नटराज पेंसिल की मैंने बात करी है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो खास है, मतलब इनके जैसा कुछ और नहीं है, उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब आम, ठीक है, बहुत ही जो कॉमन सी चीजें हो, जिस जो कुछ खास ना हो, जो कुछ स्पेशल ना हो। ठीक है, ये तो स्पेशल केसेस में आ गए ना, और यहां पे नथिंग स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं है, हम किसी भी चीज की रैंडम बात कर रहे हैं। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, यहां पे मैंने बात कर दी कॉमन, ध्यान रखना इन सब चीजों को, इसी को तुमने फोकस करना है। ठीक है, तो जब मैंने बात करी कि कॉमन पर्सन प्लेस या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन पर्सन कैसे हो गया, अब देखो ऊपर मैंने दिया बिने, मोहन, नैतिक, यहां पे मैंने क्या यूज करा, बॉय है ये, कोई भी बॉय हो सकता है, अब मैंने नाम नहीं लिया, गर्ल कोई भी हो सकती है, मैन या वुमेन कोई भी हो सकते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं कॉमन पर्सन। यहां पे हमें पता नहीं कि किसकी बात हो रही है, यहां पे हमें पता है कि यहां पे बिने या मोहन या नैतिक इनकी बात कर रहे हैं। कॉमन प्लेस के अंदर मेरे पास आ गया स्कूल, फिर मेरे पास आ गया, अब मैंने यहां पे क्या लिखा था आर्मी स्कूल, यहां पे मैंने सिर्फ स्कूल लिखा, अब स्कूल तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया कॉमन। ठीक है, हॉस्पिटल कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकती है, विलेज कोई भी हो सकता है, तो ये क्या हो गए कॉमन नाउन हो गए हैं। उसके बाद मेरे पास जो कॉमन थिंग्स आ गई, यहां पे मैंने रामायण लिखी, सैमसंग मोबाइल लिखा, यहां पे मैंने क्या लिख दिया बुक, कोई भी बुक
बुक हो सकती है, कोई भी मोबाइल हो सकता है, कोई भी पेन या कोई भी पेंसिल। तो अब मैंने इन दोनों को इसीलिए इकट्ठा रखा ताकि तुम लोगों को जो डिफरेंस है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि इन दोनों के बीच में क्या है। यहाँ पे पर्टिकुलर चीजों की हम बात करते हैं जबकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं होता है, नॉर्मल चीजों की बात हो रही होती है, कुछ नाम नहीं दिए होते, कॉमन होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली तरफ। तो चलिए अब हम समझते हैं थर्ड टाइप को, कलेक्टिव नाउन को। ये कलेक्टिव वर्ड जो हमने देखा ये कलेक्शन से आया जिसका मतलब होता है ग्रुप या समूह या इकट्ठ जिसको हम बोल देते हैं। तो ये नाउन हमें क्या सिग्निफाई कराता है, क्या डिनोट क्या कराता है कि डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का ग्रुप या फिर कोई भी क्रिएचर या फिर किसी भी चीज की कलेक्शन। एक्चुअली क्या होते हैं ये सारे जितने भी कॉमन चीजें होती है ना उनको इकट्ठा करके जब हम एक ग्रुप बना देते हैं, कॉमन चीजों को जब इकट्ठा करके एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं तो उसको हम कह देते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर मान लीजिए तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे पुलिस का है, क्राउड है, टीम है, स्टेट, कंट्री। अब स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे विलेजेस आ जाएंगे। कंट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स आ जाएंगी, टीम के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स आ जाएंगे, पुलिस के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, जैसे अभी मेरे पास पहला है सेलर्स के जो ग्रुप को क्या कहते हैं, इनको क्रू बोलते हैं। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास। सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं आर्मी। और इसी तरीके से अगर मैं चीजों की कलेक्शन के बारे में बात करूं, फूलों का कलेक्शन किया या चाबियों का कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, बंच, जिसको बोलते हैं गुच्छा। ठीक है, बुक्स की कलेक्शन हो गई लाइब्रेरी। उसके बाद क्लोथ्स का कलेक्शन है तो स्टॉक हो गया। सॉक्स का कलेक्शन है तो उसको हम पैर बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके की कलेक्शन रहती है। तो कई बार पेपर के अंदर आप लोगों को आ जाती है एग्जाम्पल कि इनके ग्रुप को, पर्टिकुलर को क्या बोला जाता है, अ स्वार्म ऑफ बीज बोला जाता है, हर्ड ऑफ कैटल बोला जाता है। तो कुछ कुछ इस तरीके से जो है हम लोगों को याद कर लेने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगी कि कलेक्टिव नाउन के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है कि वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है हमारा वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? देखिए अब देखते जाइए, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। सुनिए, तो कलेक्टिव नाउन है, मैंने आपको बोला कि कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। अब कलेक्टिव नाउन या तो अगर किसी यूनिट में बात करें, ठीक है, या फिर एक डिवीजन में बात करें, ये हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, ये इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लूरल भी हो सकता है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज वो पिछली वीडियो को भी देखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो अगर यही कलेक्टिव वर्ड जो है सिंगुलर में हम एक साथ मतलब एक यूनिट के अंदर उसको यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, और अगर उसी को ही हम डिवाइड कर दें तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो अभी मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो या तो प्लूरल और या फिर सिंगुलर दोनों तरीके से कैसे यूज होते हैं। अब पहला हमारे पास आगे एग्जाम्पल जूरी। जूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने पहला स्टेटमेंट लिया, द जूरी वॉज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी वॉज वर, अब देखिए डिवाइडेड, जब मैंने बोला कि डिवाइड मतलब सेपरेट हो गए सबके सब, मान लीजिए ये जजेस का ग्रुप था 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, दो ने तो बोल दिया कि मुजरिम को सजा हो जाए और तीन ने बोल दिया कि ना हो, तो मतलब इनका ओपिनियन जो है वो डिवाइड हो गया है ज्यूरीज का, मींस इन लोगों का, जो एक जज था पहला था, ये दोनों ने तो बोल दिया कि कर दो भाई, और इन तीनों ने बोल दिया कि तुमने नहीं करना, मतलब जब वो डिवाइड हो गए हैं। तो ज्यूरी वॉज या वर डिवाइडेड इन देअर ओपिनियन, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, जो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन, यहाँ पे हम मार्क करेंगे वर, क्योंकि वो
डिवाइड हो चुके हैं तो हम उनके साथ प्लूरल लगाएंगे। या अगर मैं आपको एक समझाऊं बात कि मेंबर्स ऑफ जूरी, जब मैंने मेंबर्स भी बोल दिया तो मतलब जो मेंबर थे जूरी के वो सब, उनका ओपिनियन जो था वो अलग हो गया, वो डिवाइड हो गया, तभी भी हम लोगों ने क्या कर देना था, इसको प्लूरल करना था, ठीक है, मेंबर्स ऑफ। तो हमें मेंबर्स से ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है कि ये जो लोगों का ओपिनियन है वो बदल गया। अब देखिए, द जूरी वॉज वर यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन। अब मान लीजिए जजेस थे, एक जज, दो जज, तीन और चार, 1, 2, 3, 4, सबने बोला कि मुजरिम को सजा दे दी जाए। सबका ग्रुप था, इन ग्रुप में इन लोगों ने डिस्कशन करा। अब जैसे डिस्कशन करा तो एक इन सबका जो यूनानिमस मतलब एक साथ इकट्ठा सबने जो मिलके डिसीजन लिया, तो ये क्या हो गए, मिलके जब वो बने तो हमने एक हो गया, तो जूरी वॉज यूनानिमस, मतलब एक साथ सबने लिया तो एक ही डिसीजन है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिर यहां पे हम जो वर्ब यूज करेंगे वो वॉज यूज करेंगे। अब आप लोगों ने इसमें डिफरेंस देखा कि ऊपर मैंने वर्ब को यूज करा, नीचे मैंने वॉज को यूज करा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नंबर टू पे देखिए। अब टीम क्या है, टीम अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो टीम इज आर गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। अब कोई एक बंदा तो जाएगा नहीं, अब यहां पे मान लो मैं मेंबर्स ऑफ टीम भी लगाऊं, ठीक है, मतलब यहां पे अब देखिए टीम जो है यहां पे एक है, एक जो लोग जा इकट्ठा पूरा ग्रुप जा रहा है, यहां पे मैं पूरे ग्रुप की बात कर रही हूं, तो जब वो जा रहे हैं तो वो टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड, पूरी की पूरी जो टीम जा रही है उस एक के बारे में बात हुई। बात कर रहे थे टीम इज आर शॉपिंग टूडे बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी रिलैक्स्ड। अब यहां पे टीम दे एक तो आ गया, यहां से हमें कुछ एक आइडिया मिल रहा है। अब यहां पे वो टीम किसकी बात कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ टीम की बात कर रहे हैं, मीन्स उसके मेंबर, तो वो अपने आप में क्या हो गए, वो प्लूरल है, मीन्स सब मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आ गया आर, ठीक है। तो अब आपने देखा कि डिफरेंस किस तरीके से हम लोगों को करना है वर्ब के मामले में। नेक्स्ट है द कमेटी हैज या हैव गिवन अ डिसीजन ऑन द केस। अब क्या है, ये कमेटी एज अ होल है, ये एक पूरा का पूरा एक यूनिट है, तो इसने क्या था, कमेटी हैज गिवन डिसीजन, तो कमेटी ने अपना जो डिसीजन है वो सबने दे दिया है। अब दूसरी चीज देखिए, द कमेटी वॉज वर आर्ग्यूइंग फॉर टू आवर्स बिफोर मेकिंग द डिसीजन। दो घंटे पहले कमेटी में आर्ग्यूमेंट चलता रहा डिसीजन लेने से पहले, तो मतलब अभी डिसीजन लिया नहीं था, ये डिसीजन के पहले की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, मीन्स डिविजन हो रही है, ठीक है। तो यहां पे मेंबर्स ऑफ कमेटी भी अगर मैं लगा मेंबर्स ऑफ कमेटी लगा के देखती हूँ तभी भी यहां पे मेरे पास क्या आ गया, मीन्स अब ज्यादा सारे लोगों के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, तो वहां पे मैंने क्या लगा दिया, वर द कमेटी वर आर्ग्यूइंग, मीन्स वो जो मेंबर्स थे वो कब से आर्ग्यू कर रहे थे अबाउट द डिसीजन, तो यहां पे वर्ब जो लग गई प्लूरल। उसके बाद ये सारे केसेस जो है सेम पुलिस टीम जूरी ऑडियंस कमेटी इन सबके साथ सेम चलेंगे। आगे एग्जाम्पल देखिए, पुलिस वॉज वर रनिंग बिहाइंड द प्रोटेस्टर। अब पुलिस एक तो नहीं होगी ना, यहां पे जो पुलिस है उसके मेंबर्स की मैं बात कर रही हूं, तो पुलिस जो है वो सारी भाग रही है प्रोटेस्टर्स के पीछे, तो पुलिस वर रनिंग बिहाइंड, तो सारी जो मैंने पुलिस यहां पे मेंबर्स की बात करी है, ठीक है। अगर मैं यहां बात करती हूं पुलिस इज आर नेसेसरी फॉर आवर सिक्योरिटी, तो यहां पे पुलिस एज अ होल की बात करी है, एक सिंगल यूनिट की बात करी है, तो पुलिस इज नेसेसरी, ठीक है। तो पूरे एक डिपार्टमेंट की जब मैंने बात कर दी है तो वो मेरे पास क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई, जब सिंगल यूनिट में बात करिए। नेक्स्ट मेरे पास आ गया इंडिया इज आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब इंडिया क्या है, वैसे तो सिंगुलर है, ठीक है, एक कंट्री है पूरी की पूरी, ठीक है, तो वहां पे मैंने क्या यूज कर दिया, इज, कि इंडिया जो है पूरे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर। अगली एग्जाम्पल के अंदर मैंने देखा कि इंडिया हैज हैव 11 प्लेयर्स। अब देखिए इंडिया भी तो देखा जाए तो बनी क्या है, स्टेट का जब ग्रुप बन गए, बहुत सारी स्टेट्स मिलके क्या बन गई, इंडिया बन गई, तो ठीक है, तो इंडिया के कितने, यहां से प्लेयर्स से भी तुम लोगों को आइडिया मिल रहा है, तो इंडिया हैव 11 प्लेयर्स, हैव यहां पे हम लगाएंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन द वे वी आर यूजिंग दीज कलेक्टिव नाउन्स, अकॉर्डिंग टू देम वी आर सपोज टू यूज वर्ब, ओके। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी से मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं।
पढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप मटेरियल नाउन की तरफ। अब मटेरियल नाउन क्या है? ऐसे नाउन जिनको जो दैट कैनॉट बी काउंटेड, और दूसरी चीज ये कि जो किसी भी मटेरियल को डिनोट करते हैं। डिनोट मटेरियल, मटेरियल मैंने कोई भी चीज के बारे में डिनोट कराते हैं, और ये अनकाउंटेबल होते हैं। सबसे पहले खास बात का ध्यान रखना है कि ये जो मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, ये काउंट नहीं किए जाते हैं और उसके काउंट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद मटेरियल को डिनोट कराते हैं, जैसे गोल्ड है, वाटर, ऑयल, कॉफी, टी, घी, कॉपर। तो एक तो ये अनकाउंटेबल हुए, प्लस इनको हमेशा हम एज अ सिंगुलर वर्ब मतलब यहाँ पे इसके साथ यूज करेंगे, ठीक है। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, कॉफी इज वेरी डिलीशियस बेवरेज, तो टी एवरीवन लाइक टी, लाइक्स टी, तो घी का हो गया, कॉपर। इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इनके आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, कोई ए एन का यूज नहीं करते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनके बारे में मैं आने वाले टाइम के अंदर डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, अदरवाइज हम जनरली इनके साथ यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? भाववाचक, जिनको हम कह देते हैं भाववाचक संज्ञा, मीन्स भाव, जो जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, एक तो क्वालिटी या कंडीशन के बारे में डिनोट कराते हैं, ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे विजडम है, लव है, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक है। उसके बाद चाइल्डहुड बचपन है, गर्व की बात करें, प्यार की बात करें, ये सारी चीजें क्या है, हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं करके दे सकते, टच नहीं कर सकते, इनको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आज की डिस्कशन में इतना ही मैं नाउन्स के बारे में लेके आई हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जल्दी से कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस करूंगी, वो नाउन नंबर के रिलेटेड और जेंडर के रिलेटेड, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं। अगर आपकी इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज 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 शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स, एंड जितने भी नए लोग आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।